आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, लाल सिंह चड्ढी, अक्षय कुमार की रक्षाबंधन और रणबीर कपूर की शमशेरा के बाद विजय देवरकोंडा की लाइगर का भी तगड़ा बायकॉट देखने को मिला है। आखिर क्यों होने लगा है लाइगर का बायकॉट, जबकि बॉलीवुड और साउथ स्टार्स मिलकर फिल्में बना रहे हैं फिर भी बायकॉट ट्रेंड होने लगा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आज हम लाइगर के बायकॉट होने के चार रीजन बताएंगे। रीजन नंबर वन, हाल ही में विजय देवरकोंडा ने एक इंटरव्यू में आमिर खान के फिल्म के बायकॉट करने पर जवाब दिया। उन्होंने बहुत ही वाजिब बात कही। देवरकोंडा ने कहा, जब आप फिल्म बायकॉट करते हैं तो 2 से 3 हजार लोगों का खाना छीन रहे होते हैं। लाल सिंह चड्ढा में कई हजार लोगों ने काम किया है, बायकॉट से उनकी रोजी रोटी प्रभावित होती है। बस इस बयान के बाद लोगों ने उनकी फिल्म पर निशाना साधा। रीजन नंबर टू, विजय देवरकोंडा ने अपने इस इंटरव्यू में अपने स्ट्रगल और संघर्ष की कहानी को बयां किया। उन्होंने बताया कि वह हमेशा से लड़ते आ रहे हैं, कभी करियर बनाने के लिए, कभी पैसों के लिए, तो कभी सम्मान के लिए। मैंने हमेशा ये लड़ाई लड़ी है। एक समय था जब मेरे पास कुछ नहीं था, अब तो इतना कुछ है तो मैं क्यों डरूं। मेरे साथ माँ का आशीर्वाद है और लोगों का प्यार भी, कौन रोकेगा देख लेंगे। ये भगवान क्या जुलूम है। रीजन नंबर थ्री, कुछ ट्रोलर्स ने विजय देवरकोंडा के कॉफी विद करण के फोटो को भी शेयर किया। ट्रोलर्स ने कहा, जब वह करण जौहर के शो में आए थे तो उन्होंने कहा था कि पता नहीं क्यों बायकॉट ट्रेंड को इतना तूल दिया जा रहा है, जिसे बायकॉट करना है कर दो, क्या उखाड़ लेंगे हमारा। मूवी देखना है तो देखो, वरना मत देखो। इस बयान को शेयर करते हुए भी कई यूजर्स ने बहिष्कार की बात कही है। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है। पिछले कुछ दिनों से विजय देवरकोंडा अपनी मासूमियत और कॉमन मैन की इमेज को लेकर चर्चा में थे। वह लगातार चप्पल में नजर आए, उनकी सादगी की जम के तारीफ हुई। लेकिन बायकॉट ट्रेंड जब शुरू हुआ तो फैंस कुछ ऐसे फोटो शेयर किए जिसमें यूजर्स ने दावा किया विजय देवरकोंडा घमंड दिखा रहे हैं। वह शो में जिस तरह से बैठे हैं उनके घमंडी स्वभाव को दिखाता है। राजा जी अपनी शक्तियों को पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ट्रोलर्स के बात में दम है? किसी फिल्म का ट्रोल या बायकॉट होना आजकल आम हो चुका है। देवरकोंडा ने जिस बयान को लेकर ट्रोलर्स ने उन्हें ट्रोल किया वह सिर्फ अधूरा था। एक्टर ने अपनी बात किसी दूसरे संदर्भ में कही, लेकिन आधे वीडियो को शेयर कर यूजर्स उनकी बात का गलत मतलब निकाला। खैर, विजय देवरकोंडा एक आउटसाइडर एक्टर हैं जिन्होंने बिना किसी गॉडफादर के इस इंडस्ट्री में जगह बनाई है। उनके टैलेंट और स्ट्रगल को देखते हुए उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है।